हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक अच्छी सी वैकेंसी, जो कि उनके लिए है जो चाह रखते हैं इंडियन डिफेंस को। और ये 12th लेवल की जॉब है, ओनली 10+2 12th लेवल की। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर लें, जिससे कि लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन आप तक पर डे पहुँचती रहे। तो आइए बात करते हैं कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है, वो उसकी अप्लीकेशन डेट कब से प्रारंभ हो रही है। तो बता दें कि अप्लीकेशन डेट प्रारंभ हो चुकी है 26 जनवरी से, और आखिरी डेट है 2 फरवरी। साफ तौर पर इसने ऊपर ही सबसे फ्रंट, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उस पर फ्रंट पे ही यही लिखा हुआ है। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है कि आप कब से कब तक ज्वाइन इसमें अप्लीकेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्टेबल है 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी रात 2 फरवरी 2020 को। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एजुकेशन की बात करें तो इसमें 12th होना चाहिए, 10+2 लेवल में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करें एज की, तो एज आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से लेकर 22 तक आपकी एज होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी वालों को, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है। इसके लिए कोई चार्जेज नहीं है ऑनलाइन फी पेमेंट करने का। और पे स्केल जो रहेगा 21,700, ये पे स्केल है आपका। इसी के पे स्केल पे आपको जो सैलरी दी जाएगी उस पर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि सीटें इसमें कितनी है। तो देखिए, साफ तौर पे इसने वैकेंसीज को अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल 260 वैकेंसी है, 260 टोटल वैकेंसी है। ये 260 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से कि 113 वैकेंसी जो जनरल के लिए है, 26 EWS के लिए और 75 OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए 13 और SC के लिए 33 वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन सारे अलग अलग कास्ट में, कैटेगरीज में। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल फिटनेस और मेडिकल पे आधारित है। तो रिटन टेस्ट और जो होने वाला है वो मार्च से फरवरी टू मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए अप्लाई करने का डेट बस 5 दिन ही रखा गया है। तो आप जितनी जल्दी हो सके भर लें, क्योंकि 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक ही लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का। तो अब आगे देखते हैं कि इसके लिए रिटन टेस्ट के लिए क्या क्या क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो वो आपके जो होंगे नॉर्मल से जो साइंस वर्ग के क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GK, GS और रीजनिंग बेस्ड आएंगे क्वेश्चन, जो कि 12th स्टैंडर्ड रहेगा। अब बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस में क्या क्या देखी जाएगी। तो फिजिकल फिटनेस में इसने साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है, क्योंकि ये डिफेंस की जॉब है, डिफेंस लाइन में आपको फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि उसमें अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप उसके लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। तो इसका मानना यह है कि 1.7 किलोमीटर रनिंग है, जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद 20 स्क्वाट्स ऑफ हैं, जिसको रनिंग के पश्चात किया जाएगा, और 10 पुशअप्स हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, और ये 12th स्टैंडर्ड की सबसे बड़ी जॉब है और आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो आप इसको छोड़े नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स की कुछ लिस्ट दी गई है, उस डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपका 12th स्टैंडर्ड रिलेटेड है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसके लिए कास्ट की आपको OBC, SC, ST की लगानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके क्या मेजरमेंट्स हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में 157 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, जो कि मिनिमम होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर जब आप इसमें सीने में हवा भरते हैं तो वो ये 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। आपकी वेट की रेशियो प्लस माइनस 10 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट। और अगर आई विज़न की बात करें तो जो एक आई होनी चाहिए वो 6x6 होनी चाहिए, लेकिन दूसरी आई आपकी 6x9 भी चलेगी। अगर आपका दोनों आई 6x6 है तो ये आपके लिए बेटर है। साथ ही आपके हाथ पे या पैर में या किसी शरीर में किसी पार्ट में कोई टैटो का निशान नहीं होना चाहिए, कोई भी टैटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके लिए टैटो बनवाया है तो फिर आप किसी भी डिफेंस लाइन में जाने योग्य नहीं है। आपको अंतिम राउंड में टैटो से
की वजह से निकाल बाहर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.jointindiancoastguard.gov.in पर आपको जाना होगा और वहां पर आपको जाकर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए, जिससे कि आप आवेदन करेंगे और आफ्टर उसमें रजिस्टर के बाद लॉगिन आएगा। लॉगिन में जाकर आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे और उसके पश्चात आप फॉर्म को फिल करके फाइनल सबमिट करेंगे, जहां पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये रही सिलेक्शन प्रोसीजर। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में एक चीज़ और पूछता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ डालना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर कुछ निर्धारित एग्ज़ाम सेंटर किए गए हैं, जो कि जालंधर, देहरादून, जोधपुर, नोएडा, बनारसी, ये हैं नॉर्दर्न जोन के। और ईस्टर्न जोन की बात करें तो गुवाहाटी, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, ये नॉर्दर्न जोन के हैं। ईस्टर्न जोन की बात करें तो तूतीकोर्नी, चेन्नई, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, ये रहे। वेस्ट जोन की बात करें तो भोपाल, कोची, मुंबई और न्यू मंगलुरु। नॉर्दर्न वेस्ट जोन की बात करें तो गांधीनगर और लास्ट में पोर्ट बालियर। इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इन सारे सेंटर्स में ही आपको कोई ना कोई एक फिल करना होगा, जो आपके नियरेस्ट होगा उसको आप फिल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और यही ऑप्शन आपको फिल करने के लिए आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए और किसी वैकेंसी के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर और ज़रूर लाइक करें।